Welcome back to Pixative. I am Dhaval Kumar. In this tutorial, we are going to learn how to select any color gradient or shadow with the hue saturation adjustment layer and convert into the mask. So without any further ado, let's make it. So I have this image for this tutorial. मैं चाहता हूँ इस इमेज में जो रेड कलर है वो सारा सिलेक्ट हो जाए और हमें एक मास्क मिल जाए। हम चाहे तो सिंपल यहाँ पर मेक अ ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर एंड सिलेक्ट रेड एंड चेंज द कलर। लेकिन मैं चाहता हूँ ये हमारे पास मास्क में आए। देखिए हम यहाँ पर रेड में चेंज कर रहे हैं तो लुक हियर सी दिस इज नॉट कंप्लीट चेंज इन द रेड कलर राइट। मैं इस रेड कलर जितना भी है उस सब का मास्क बनाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट इस इमेज में जितना रेड कलर है मुझे उसका मास्क चाहिए। सिंपल गो टू द ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर एंड सिलेक्ट द रेड चैनल एंड ह्यू को थोड़ा बढ़ा दीजिए ताकि रेड कलर हमें डिफाइन करने में आसानी हो। सिंपल यहां पर हमारा रेड है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है। सी यहां पर रेड है लेकिन वो हमें नहीं चाहिए तो हमें वो डिक्रीज करना होगा। तो कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन द रेंज ऑफ रेड कलर? सिंपल सी दिस पैनल हियर। हम यहाँ से रेड कलर की रेंज को डिफाइन करेंगे। सिंपल हमें यहाँ पर और रेड सिलेक्ट करना है। ये बीच वाला जो स्लाइडर है इसे एक्सपांड करिए। जैसे जैसे आप करते जाएंगे ये देखिए ये हमारा सिलेक्शन हो रहा है। ये थोड़ा बहुत छूट भी जाए यहाँ पर रेड कलर तो डोंट वरी। अब सिंपल ये हमारा ऑलमोस्ट रेड कलर सिलेक्ट हो गया तो सिंपल रेड चैनल में जो हमने यू बढ़ाया था उसको जीरो कर दीजिए एंड लाइटनेस वाले स्लाइडर को -100 कर दीजिए एंड सिंपल इस यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर का ब्लेंड मोड डिफरेंस के साथ चेंज कर दीजिए एंड हमें इस एंड उसके बाद एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना दीजिए। स्टैम्प विजिबल लेयर बनाने का शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई। ये हमारे नीचे जितने भी लेयर ऑन है उस सब की एक कॉपी बनाकर अलग से नया लेयर बना देगा। अब इसे डीसेचुरेटेड करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल गो टू द इमेज एडजस्टमेंट एंड डीसेचुरेटेड। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट यू। डीसेचुरेटेड का मतलब होता है अब इसमें ओनली न्यूट्रल कलर रहेंगे। इसको नाम दे दीजिए एंड टेक द लेवल एडजस्टमेंट लेयर टॉप ऑफ इट। यहाँ पर आपको तीन स्लाइडर मिलेंगे शेडो का मिड टोन्स का एंड हाईलाइट का। सिंपल हाईलाइट का जो स्लाइडर है उसे शेडो की तरफ ड्रैग कीजिए। जैसे ही आप उसे शेडो की तरफ ड्रैग करेंगे आपका सिलेक्शन जो वाइट में है वो आपका उसको हमें सिलेक्ट करना है ठीक है। डोंट वरी अबाउट अदर एरियाज। ये बार का जो एरिया ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है उसकी फिगर मत कीजिए उसको हम रिटच कर देंगे। सिंपल दिस इज गुड। ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्ट द डीसेचुरेटेड लेयर एंड ब्रश टूल ले लीजिए एंड सिलेक्ट द सॉफ्ट राउंड ब्रश एंड फ्लो इसका कम कर दीजिए एंड जो बाहर का भाग ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है उसको हम यहाँ से डिसेचुरेटेड लेयर में निकाल देंगे। मेक श्योर फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक एंड जस्ट पेंट ओवर इट। वी डोंट नीड दिस पोटैटोस। सी हियर हमें इसका सिलेक्शन नहीं चाहिए।
हमारा डिसैचुरेटेड लेयर क्लियर हो जाने के बाद सिलेक्ट द डिसैचुरेटेड लेयर, गो टू द चैनल्स। अगर ये यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है तो सिंपल गो टू द विंडोज एंड मेक श्योर चैनल इज चेक्ड। अब होल्ड द कंट्रोल और कमांड एंड क्लिक आरजीबी थंबनेल। सी यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। अब लेवल एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट कीजिए एंड मेक द ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर। नीचे के तीनों लेयर को बंद कर दीजिए। अब हमारे रेड कलर का मास्क बन चुका है। सी यहाँ पर देखिए रेड कलर का मास्क बन चुका है। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पर रेड चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल गो टू द सिंपल वर्क विद द मास्टर। सी ये सिलेक्शन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे आसान तरीका है। इससे आप अपना कोई भी कलर, कोई भी ग्रेडियंट, कोई भी शेडो सिलेक्ट करना चाहे तो जस्ट सिंपल मेक अ ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर एंड सिलेक्ट द कलर एंड डिफाइन द रेंज। देन आफ्टर मेक द स्टेम विजिबल लेयर एंड डीसैचुरेटेड इट। सिंपल गो टू द इमेज एडजस्टमेंट एंड डीसैचुरेटेड और उसका शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल यू। देन आफ्टर प्ले विद द लेवल एडजस्टमेंट लेयर अकॉर्डिंग टू योर इमेज एंड देन आफ्टर सिलेक्ट द डीसैचुरेटेड लेयर एंड गो टू द चैनल एंड होल्ड द कंट्रोल एंड क्लिक द आरजीबी थंबनेल एंड मेक द ह्यू सैचुरेशन लेयर और एनी एडजस्टमेंट लेयर एंड यू हैव गुड टू गो। आई होप दिस ट्यूटोरियल इज लाइक यू एंड हेल्पफुल फॉर यू। Please like, share and subscribe and ring the bell icon. Let's make life colorful with some fun. Stay tuned till my next one. Take care.